यस, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम क्लास ट्वेल्थ के लेटर राइटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले आता है आपके बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर का प्रारूप क्या होगा, देखिए आपके टेंथ क्लास तक पर्सनल लेटर थे, उसके बाद आपके इलेवन ट्वेल्थ में अट जाते हैं। आरबीएससी के अकॉर्डिंग आपको के सिलेबस में बिजनेस लेटर का प्रारूप दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का छोटे बहुत अंतर ही देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट, क्या होता है। सबसे पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं, जो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि यू आर द प्रोपराइटर ऑफ झूलेलाल बुक स्टोर, ऐसे लिख सकते हैं MS, ठीक है, झूलेलाल बुक स्टोर ब्लॉक 13 काला कुआ अलवर। यू वॉन्ट टू गेट द सप्लाई ऑफ इंग्लिश संजीव क्लास ट्वेल्थ कंपल्सरी, या फिर कह सकते हैं ऑल ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो राइट ए लेटर, दिख रहा होगा आपको, राइट ए लेटर। तो आपको एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, संजीव प्रकाशन, जयपुर। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न कि भाई दोबारा से देखो प्रश्न को, आप का नाम नहीं दिया जाएगा, आप यू आर द प्रोपराइटर, आप प्रोपराइटर मालिक हैं MS झूलेलाल बुक स्टोर B13 काड़कुआ अलवर। आपको चाहिए, यू वॉन्ट टू गेट द सप्लाई ऑफ इंग्लिश संजीव क्लास ट्वेल्थ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो राइट ए लेटर टू संजीव प्रकाशन जयपुर। तो उसको लिखना है, किसको लिखना है आपको बता दिया है, तो आपको क्या माना है इसने, ध्यान देखना, MS झूलेलाल बुक स्टोर, ध्यान रखना इस बात का, आपको क्या माना है MS झूलेलाल बुक स्टोर B13 काला कुआ अलवर, ये आपका एड्रेस है, आपकी फर्म का, आपकी जो स्टोर है, आपकी जो शॉप है, उसका ये एड्रेस है, ध्यान देना, बिना लाइन छोड़े लिखना है। फोन नंबर दे सकते हैं 98987868489 1, ये आपके फ़ोन है। उसके बाद आप डेट लिखें, डेट लिख दो यहाँ पे 11 जुलाई
2021, ये लाइन छोड़ के लिखना है आपको डेट को। फिर अब एक आप ध्यान दीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है नंबर, ये क्या नंबर है, ये इसकी जो दुकान है, तो दुकान से एक मतलब जो होलसेल मार्केटिंग होती है, होलसेल जो किताबें आती हैं उस जो बड़ी कंपनी है, कंपनी से और छोटी दुकानदारों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन जो रिटर्न हो रहा है वो एक लेटर पर होता है, और वो उनका एक ऑफिशियल कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लेटर होता है, जिसमें उनके बुक कह सकते हैं हम, उसमें उसका लाइसेंस नंबर, उसकी दुकान नंबर वगैरह, उसकी दुकान का फर्म का नाम सब कुछ होता है। तो लेटर हेड पे, ज़्यादातर उसको लेटर हेड ही कहते हैं, तो उसका अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो नाम बनाएंगे JHBS झूलेलाल बुक स्टोर ऑब्लिक 04Z09N J11 20, ठीक है। ये इस प्रकार से दो बार ऑब्लिक लगा के आप देखो झूलेलाल बुक स्टोर और 04, फिर कोई क्या इंग्लिश लेटर कैपिटल में, फिर 0, जो भी आप अज्यूम कर सकते हैं दिखना चाहिए एक नंबर है ये। फिर है किसको लिख रहे हैं, तो सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, सेल्स मैनेजर ही हमको बताएगा, उससे ही हम पूछ रहे हैं सेल्स मैनेजर से, जो किसका सेल्स मैनेजर है हमको लिखना है MS संजीव प्रकाशन। MS संजीव प्रकाशन चौरा रास्ता जयपुर, ठीक है। और इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या आएगा, इंक्वायरी INQUIRY इंक्वायरी, किस बारे में इंक्वायरी है, इंक्वायरी है अबाउट द बल्क सप्लाई, इंक्वायरी अबाउट द बल्क सप्लाई, बल्क का मतलब बड़ी मात्रा में सप्लाई ऑफ संजीव कोर्स एस लगा देंगे संजीव कोर्सेज, और क्लास भी लिखना है क्लास 12th। तो ये हो गया आपके, थोड़ा इसको नीचे लिख देंगे ए, अब आपके कंप्लीट क्लियर आएगा। अब आपको कुछ इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बिजनेस लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट लिखो आप, सर वी वॉन्ट 21,000 वी वॉन्ट, डायरेक्ट कोई रेस्पेक्ट फस्पेक्ट वाला ना, कुछ वर्ड कोई लाइन नहीं, वी वॉन्ट 20,000 या 21,000 संजीव कोर्स ऑफ क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के बाद ऑल सब्जेक्ट द बुक्स मस्ट बी ऑफ न्यू सेशन 2021 और 22 वाला, और क्या लिखेंगे,
कि हम वी विल मेक कैश पेमेंट, हम कैश पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, द बुक मस्ट बी ऑफ न्यू सेशन या फिर न्यू एडिशन, नए सत्र की चाहिए, हम कैश पेमेंट करेंगे। दूसरा कि हम जानना चाहते हैं, वी वुड लाइक टू नो योर टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस भी जानने के इच्छुक है भैया हम। कि वेदर यू सेंड, वेदर यू कैन सेंड द असाइनमेंट ऑन गिवन एड्रेस, ठीक है, तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। थैंकिंग यू। योवर्स फेथफुली या सिंसियरली, नाम दे नहीं रखा, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड आप अपनी मर्जी से लिख लेना। तो आपके सामने एक बिजनेस लेटर है भैया। एक तो इसमें आप डायरेक्ट अपनी बात बोले, यहां पर आपकी फर्म का एड्रेस नाम सहित, एमएस झूलेलाल बुक स्टोर और B13 काला कुआ अलवर, फ़ोन नंबर 11 जुलाई, ये डेट आ गई, ये आपको किस प्रकार से बनाना है ये भी बता दिया हमने। सेल्स मैनेजर MS संजीव प्रकाशन, चौरा रास्ता जयपुर। फिर इंक्वायरी किसके बारे में है, क्या सब्जेक्ट है, इंक्वायरी अबाउट द बल्क बड़ी मात्रा में सप्लाई चाहिए संजीव पासबुक की। सर हम मैं डायरेक्ट बोलो, मैंने बोला डायरेक्ट, वी वॉन्ट 20,000 संजीव क्रोर्स ऑफ क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट्स, द बुक मस्ट बी ऑफ न्यू सेशन एडिशन 21-22, वी विल मेक कैश पेमेंट, हम कैश पेमेंट करेंगे, वी वुड लाइक टू नो योर टर्म एंड कंडीशन, हम आपके टर्म कंडीशन जानना चाहते हैं, वेदर यू कि आप भेज सकते, वेदर यू सेंड द असाइनमेंट ऑन गिवन एड्रेस, दिए हुए एड्रेस पर आप अपना जो असाइनमेंट है बुक्स का वो भेज सकते हैं अथवा नहीं भेज सकते। तो ये हो गया आपके बिजनेस लेटर की एक फर्स्ट एग्जांपल। यस, तो नेक्स्ट जो है, क्या प्रश्न बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, यू आर द ओनर ऑफ, यू आर द, या फिर डायरेक्ट लिखो, यू आर अमित शर्मा, आप अमित शर्मा हैं, लिविंग इन जयपुर, ठीक है, लिविंग इन जयपुर। उसके बाद राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू MS क्रिएटर्स, MS हैप्पी क्रिएटर्स, C A T E R E R S, हैप्पी क्रिएटर्स। उसके बाद
इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस, इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस। तो इसमें प्रश्न ऐसे बोल रहा है कि यू आर अमित, ठीक है, अमित शर्मा लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू एम एस हैप्पी क्रेटर्स, शादियों में केटरिंग का काम करने वाले हैं, उनकी एक फर्म है हैप्पी क्रेटर्स जयपुर, आपको वहाँ पे जाके ये बात पता करनी है कि वहाँ पे जाके आपको ये बात मालूम करनी है कि क्या चार्जेस लिए जाते हैं एक पर हेड कैटरिंग के, सर्विस है उसमें, लाइटिंग है, डेकोरेशन है उन लोन पर, क्योंकि आपकी बहन की शादी है 13 मार्च को, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से आपका पता हो सकता है, 4G रोड, इंटरनेट गली, इंटरनेट स्ट्रीट, 4G रोड, इंटरनेट स्ट्रीट, जयपुर, ठीक है। फिर डेट लिख देंगे 22 मई 2021। अब देखो आप कोई फर्म नहीं, आप एक इंडिविजुअल एक पत्र लिख रहे हैं, आप मनुष्य एक, आप अमित हैं, अमित शर्मा, आप कोई दुकान नहीं है आपकी, आप खुद एक पर्सनली किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना कोई नंबर वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक पर्सनली लेटर लिख रहे हैं। तो किसको लिख रहे हैं यहाँ पर, द हैप्पी क्रिएटर्स को। किसको लिख रहे हैं, द हैप्पी CATERERS हैप्पी क्रिएटर्स, मैनेजर सीधा साधा रोड जयपुर। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, INQUIR इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस ऑफ सर्विस इन वेडिंग, यानी इसके बारे में है, जो भी वही किराया वगैरह क्या चार्जेस लेते हैं सेवा का वेडिंग यानी शादी में, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करना है आपको डायरेक्ट कि माई सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 13th March 2021 यानी माय सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 13th March 2021 एट महाराणा मैरिज गार्डन जयपुर। अबाउट 500 HUNDRED 500 guests are to be invited ठीक है।
वी वॉन्ट टू नो योर कैटरिंग सर्विस या कैटरिंग चार्जेस पर हेड रिगार्डिंग सर्विस डेकोरेशन लाइटिंग एंड सर्विस डेकोरेशन लाइटिंग एंड अदर दूसरा आई वॉन्ट टू नो द मोड ऑफ पेमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस टर्म कंडीशंस मोड ऑफ पेमेंट कॉमा टर्म्स एंड कंडीशंस प्लीज प्लीज तो कह रहा अपन लिखते ही नहीं है इसमें डायरेक्टली लिख दो थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली नेम अमित शर्मा ठीक है तो ये हो गया आपके इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस ऑफ सर्विस इन वेडिंग शादी के अंदर किस प्रकार से आप चार्जेस माय सिस्टर मैरिज बहन का शादी है और फिक्स हो गया है 13 मार्च 2021 जो महाराणा मैरिज गार्डन में होगा अबाउट 500 गेस्ट्स आर टू बी इनवाइटेड We want to know your catering charges per head regarding service, decorating, lighting and others. I want to know the mode of payment, terms and conditions. Thanking you, yours faithfully, name Amish Sharma. इस प्रकार से आपने देखा business letter किस प्रकार से लिखे जाते हैं